इंसिडेंट पे कहानी है और कश्मीर में जिस तरह से आप हालात देख रहे हो, ये सब छोटी छोटी चीजें जो हो रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली कहानी ट्रू इंसिडेंट पे होने, मतलब एक बेसिकली फिल्म जो बेस्ड है एक बाप और बेटे के बीच में, तो बाप और बेटे के बीच में जो मिडिल क्लास फैमिलीज की अगर मैं बात करूँ तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो रिलेशनशिप्स कैसे मतलब वेरी करते हैं, कैसे वो बच्चे की जो ग्रोथ होती है तो बाप उसमें कितना स्ट्रगल करता है, किस तरीके से उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और वो भी ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे आए दिन आप कश्मीर के मुद्दे तो देखते हैं। तो ये बेसिकली एक जम्मू कश्मीर और हिमाचल के बॉर्डर के बीच की एक कहानी है, एक प्यारी सी कहानी है दो जोड़ों, एक जोड़े की मतलब हस्बैंड और वाइफ, उन दोनों के बीच में जो मिडिल क्लास फैमिलीज में बेसिकली छोटे छोटे जो उनके रोमांटिक पोर्शन होते हैं, जो उनके बीच की शिकायतें होती हैं, नज़ाकत होती है, तो उन सब चीज़ों को हमने इस कहानी में जो है मतलब पिक्चराइज किया है। तो कुल मिला के फिल्म जो है एक सब्जेक्टिव फिल्म कह लो, एक ड्रामा फिल्म कह लो, एक थ्रिलर है बेसिकली। थ्रिलर इसलिए है क्योंकि एक पूरा ट्रैप है जो मतलब आप फिल्म में देखेंगे, एक बाप के स्ट्रगल का ट्रैप, सोसाइटी में कैसे वो फंसता है एक मिडिल क्लास आदमी। तो कुल मिला के ये कहानी जो है उन मुद्दों को भी छुआ है,
सामने में आ रहे हैं। यकीनन यकीनन टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है कश्मीर का, और वो टेररिज्म कैसे पैदा होता है और कैसे इनोसेंट लोग ट्रैप होते हैं उस चीज़ में, कैसे पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व होती है मतलब टेररिज्म को बढ़ाने में, तो वो सब चीज़ें हमने फिल्म में दिखाई हैं। तो डेफिनेटली संगीत की बात करें, यहाँ खड़े हैं तो संगीत लग रहा है सबसे इम्पॉर्टेंट, कहानी होते हैं डिस्टर्ब ना करें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये फिल्म बहुत ही म्यूजिकल है, म्यूजिकल इसलिए है अभी तक हमने हीरो हीरोइंस मतलब यंग टीन एजर्स या कह लो कि एडल्ट एज की जो लव स्टोरीज आती हैं एक हीरो और एक हीरोइन, तो उन लोगों को हम पिक्चराइज करते हैं बड़े अच्छे म्यूजिक में। तो शायद पहली बार हमने एक मैरिड जोड़ा, एक अच्छी मतलब 35-40 की एज के का एक जोड़ा जो है वो इतने यूथ टाइप के म्यूजिक पे मतलब परफॉर्म कर रहा है, और जो कि बहुत ही अच्छा कनेक्ट होगा, यूथ में भी कनेक्ट होगा और उस एज के लोगों में भी कनेक्ट होगा और ओवर एज के लोगों में भी कनेक्ट होगा, तो वो म्यूजिकली तो बहुत स्ट्रांग है। देखिए जैसे कि इन्होंने बता ही दिया बहुत कुछ, तो मेरे बताने लायक कुछ बचा नहीं है, लेकिन इसमें एक बिल्कुल हटके म्यूजिक, इसलिए हटके सब लोग हटके बोलते हैं, लेकिन इसमें ना एक गज़ल है जो कि मैंने गाई है, लेकिन वो गज़ल गज़ल जैसी नहीं है, वो बिल्कुल कंटेम्प्रेरी है, लेकिन उसमें जो म्यूज़िक दिया है विश्वजीत भाई ने और लिरिसिस्ट कृष्णा जी हैं, सुजात भाई ने जो एक इनका बड़ा क्लियर वो था कि एक डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए। मुझे याद है मैं जब गाने के लिए गया था तो सुजात भाई ने बोला कि गाना गज़ल जैसा नहीं लगना चाहिए, गज़ल भी हो और गज़ल जैसा ना लगे तो बड़े ख़तरनाक सी बात है, तो वो मैंने गाई है। मैं छोटी सी बस एक दो लाइनें गा सकता हूँ। वक्त फुर्सत में मेरे सामने वो खूबरू होगी, गुलों के साए होंगे और जिंदगी रूबरू होगी, वक्त फुर्सत में मेरे सामने वो खूबरू होगी। म्यूजिक की बात करें, किस तरह का म्यूजिक होता है आज के दौर, आपकी आज के दौर की हो? मैं आज के दौर की हूँ, आज के दौर के गाने भी सुनता हूँ, और ये गाना तभी बनाने में मज़ा आता है या कंपोज करने में मज़ा आता है जब शब्द बहुत ही स्ट्रांग हो, और जो मेरे बड़े भाई कृष्णा जी ने लिखा इतने प्यारे शब्द हैं और सोलफुल शब्द हैं, और मैंने उसमें थोड़ा जान डाल दिया, कंपोजिशन किया, अच्छा लगा सबको, और बस सुनिएगा कि एक थोड़ा हट के गजल कहाँ रहा बॉलीवुड में, बट ये गजल यंग जनरेशन से लेके ये एक मतलब गज़ल को ये थोड़ा वेस्टर्नाइज किया, और उम्मीद है सब ने सब मतलब जो भी सुनेगा एक बार दिल छुएगा सबका। ये मुझे अपने इकबाल भाई जो हैं, इकबाल भाई ने मुझे जो रेफरेंस दिया था, उन्होंने हैदर फिल्म का मुझे रेफरेंस दिया था, और बेसिकली मैं अगर सही कहूँ तो उन्होंने मुझे ढूंढने के लिए बोला था कि कोई अच्छी सी भारी भरकम गज़ल आप ढूंढ लीजिए, तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं एक बार इसको लिखने की कोशिश करता हूँ, अगर अच्छा लिखा गया तो हम लोग इस पर आगे काम कर लेंगे और विश्वजीत दादा बना लेंगे, तो उन्होंने इसके लिए मुझे हाँ कह दिया कि भैया बना लीजिए। तो जब मैंने लिखा और अल्टीमेटली जब मैं लिख के हटा तो मुझे लगा कि ये अच्छे लेवल की गज़ल हो गई है, तो मैंने विश्वजीत दादा को भेज दी थी, और दादा ने जैसे ही उसको व्हाट्सएप पे मैसेज को देखा उन्होंने तुरंत उसको बनाया, और मुझे कॉल बैक करके उन्होंने बताया कि इस तरह की धुन बन गई, रीअसेंबलेंस था लेकिन अच्छी धुन थी, तो ऐसे लिखा गया, और लिखने में मैंने कोशिश की है कि बहुत अच्छा लिखा जाए। तो ऐसा जी बिल्कुल, मैंने इसमें भारी भरकम कुछ है, मैं एक इसका शेर मैंने लिखा है कि आलम वसल में खामोश होंगे लब शिकायती, आलम वसल में खामोश होंगे लब शिकायती, आंखों आंखों में सारी इश्क की गुफ्तगू होगी, गुलों के साए होंगे जिंदगी रूबरू होगी, और जब सुर मिला हमारे यूवी भाई का तो वो अपने आप ही मतलब अच्छी धुन के साथ अच्छा सुर, और किसी भी अच्छे गीत और गज़ल की खासियत यही होती है कि उसे अच्छे लेखन के साथ अच्छी कंपोजिशन और अच्छा गायन मिल जाए तो अच्छा बन जाता है। मैं शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का कि उन्होंने उसको। थैंक यू सर।